उसकी आत्मा शांत होई होवे, उसकी आत्मा शांत है, उसकी आत्मा नूं प्रवान किया है, उसकी शहादत नूं मेरी कौम ने प्रवान किया है, जिन्ना माण नवरीत की शहादत नूं मेरी कौम ने दिता, उस तो बाद उसकी आत्मा शांत नहीं हो सकती। आ जिहड़े समागम ने ये साडियां रस्मां ने, ये सानूं माण जिहड़ा दिता जांदा सानूं खड़े होण लई दिता, जे असीं उह शहादत जिड्डी वड्डी होई असीं खड़े रहे। दा पेच आते होंगे ने बहुत सारे, ये बेशक अपने मन च गैर सियासी रखन, पर उन्होंने पासे बह के मीटिंगा कर, राय पूछन भी की हो सकता है, क्योंकि ये अंदोलन साड़ी कल्या की लोड़ थोड़ी है, सियासतदानों की भी लोड़ है, उन्होंने सियासत करनी की देते है। ये सवाल मेरे तो वार वार पूछा जाता भी सरकारों की कहनी है, जे सरकार होवे तो आ लोग एवें किवें बैठे हो सड़कों पर, सरकार कोई है नहीं गी, इसलिए साडा किसी सरकार नूं कोई सवाल नहीं। जदों असीं सरकार बना लाँगे, इस सरकार नूं हटा लाँगे, फिर सरकार तो सवाल करांगे, इसलिए आ जिहड़ा सारा कुछ बैठा है ना सड़कों पर, और देश कल्ला इत्थे बैठे नहीं, पूरी दुनिया दे विच इस सरकार दे खिलाफ़ बैठे ने, इसलिए इस सरकार तो कोई असी उम्मीद नहीं करते, कोई साड़ी उन्होंने तो मंग नहीं हैगी, साड़ी एक लड़ाई है सरकार ना, और सरकार नू हराउणा और असी जितना, बस यही मेरे को की समझते हो कि नवरीत जी आत्मा नू शांति ते मैं ता मंगा जी, उसकी आत्मा शांत होई होवे, उसकी आत्मा शांत है, उसकी आत्मा नूं प्रवान किया है, उसकी शहादत नूं मेरी कौम ने प्रवान किया है, जिन्ना माण नवरीत की शहादत नूं मेरी कौम ने दिता, उस तो बाद उसकी आत्मा शांत नहीं हो सकती, वो जिथे भी हैगा है उन्हें लगता है कि मेरी कौम ने मेरा माण किया, इसलिए मैं आ जिहड़े समागम ने ये साडियां रस्मां ने, ये सानूं माण जिहड़ा दिता जांदा सानूं खड़े होण लई दिता जांदा, वी असीं उह शहादत जिड्डी वड्डी होई असीं खड़े रहिए, इसलिए जिहड़ियां चीज़ां ने मतलब साढ़े इतिहास दियां हिस्सा ने चीज़ां, इस करके नवरीत की शहादत उस दिन ही प्रवान होगी जो कौम ने प्रवान कर दिया। पहली बार लगा सानू 1947 तो ही असं लगे हुए हैं, वारी वारी असी ये इम्तिहान दिते, ये भी साडा इम्तिहान है, जिवें असी पिछले इम्तिहानों में सुरखरू होकर निकले ये चो निकले, देखो किसान अंदोलन भावें गैर सियासी है, पर जिन्ना चिर सियासी सियासत जिहड़े करदे हुंदे ना उन्हां नूं दा पेच आउंदे हुंदे ने बहुत सारे, ये बेशक अपने मन च नूं गैर सियासी रखन, पर उन्हां नाल पासे बह के मीटिंगा करन, उन्हां नूं उन्हां दी राय पुछन भी की हो सकता है, क्योंकि ये अंदोलन साड़ी कल्या की लोड़ थोड़ी है, सियासतदानों की भी लोड़ है, उन्होंने सियासत करनी की देते है, जेड़े लोग ने उन्होंने सियासत करनी है, जे लोग ही ना रहे, लोग ही हार गए, लोग ही दिल छड़ गए, तो फिर कादे ते सियासत करनी है, इसलिए मेरी सारे नूं ये अपील है कि जेड़े सियासी आगू ने वो भी अपनी जिम्मेवारी समझ, वो सिर्फ इस करके बरी नहीं हो जाते कि सानूं स्टेज पर नहीं बोलन दिता जाता, वो जिथे बनती जिम्मेवारी वो भी निभा, जिहड़ा मंच उन्हां कोल है उस मंच ते वी इसकी सपोर्ट करन, ते जिहड़े इस मंच की अगवाई कर रहे हैं वो भी उन्हां नूं इन्ना प्रोहैबिटेड ना करन, इन्ना अछूत ना बनाउण, जे इन्हां नूं कोई गल नहीं समझ आउंदी तो उन्हां नाल बह के गल करन, यही मेरी बेनती। अजय नहीं हुई, अजय नहीं हुई, होएगी हुण, मेरी कई सारिआं नाल होई है, और मेरी गल आ हुण 3 तरीक नूं मैं वापस आउणा, फिर बाकी सारिआं नाल भी हो जाएगी। स्टेज तों पिछे तां उह मन्नदे आ भी इह सरकार दी गलती है, नवरीत सिंह दी शहीदी जिहड़ी होई है सरकार ने वादा कीता, स्टेज ते अजे बोलण जोगे नहीं होए, तुहानूं लगदा भी स्टेज ते वी कदे किसान लीडर बोलणगे भी नवरीत सिंह दी शहादत बारे, खुल के बोलणगे जिहड़े तरीके नाल इह स्टेज तों बोलिआ गिआ, बिल्कुल बोलणगे, उन्हां कोल होर कोई विकल्प नहीं है, जे उन्हां ने नौजवानां नूं अपने नाल लैके चलणा ना, उन्हां नूं अपनी गलती तस्लीम करनी पवेगी, स्टेज पर खड़ के करनी पवेगी, और मैं उम्मीद है कि असं उन्होंने इतों तक ले आवेंगे, वो स्टेज पर खड़े होकर अपनी गलती स्वीकार कर, और नौजवानों फिर अपने कलावे। देखो जिड्डा वड्डा अंदोलन आकार लै गया ना, उसकी अगवाई करने वाले भी नहीं सी पता कि यह अंदोलन एड्डा वड्डा आकार लै जाएगा, और ना उन्होंने एड्डे वड्डे अंदोलन का कोई तजर्बा रहा,
इसलिए उन्होंने तो ये चूक जी हुई है वो कुदरती होनी सी, इसलिए वो सीखे इस अंदोलन तो इस अपनी कमी दूर करे तो हो सकता असं आने वाले समय। हाँ जी हल्ते तिने कानून वापस होने हैं जी, असं बिल्कुल नेड़े हाँ कानून वापस होने, इस तो कोई इस तो वक्रा कोई हल है ही नहीं, सानू तो नज़र आ रही, ये सिर्फ एक पड़दा है बिच भी वो कोई राह लभदी है भी किहड़े राह असीं निकलीए। तो मैं उम्मीद करता कि साडे वालों तो यह जी कोई कमजोरी है नहीं, लीडरां दी कमजोरी यह होंदी है ना भी लोग नहीं उन्हां दा साथ दिंदे, फिर वो सरकारां नाल गलत समझौते कर दें, इसलिए कोई गलत समझौता नहीं होना क्योंकि लोग लीडरां दे नाल ने, इसलिए जो असीं लैके चले हाँ साडा मिशन लैके चले हाँ तो फिर असीं साडे वर्गे लोग जिन्हां ने इस अंदोलन वास्ते बहुत कुछ खोया है ते असी इस तो घट कोई सानू गल कोई परवान नहीं होएगी। एक चीज ये चल रही है कि नौजवान जाहिर कर रहे हैं, नहीं नहीं कीती है नौजवान ने जाहरा तौर पर कीती है, नौजवान ने अपनी नाराजगी जाहिर कीती है, पर शाबाशी मैं उन्होंने एक गल कहना है भी बेशक उन्होंने आगुआ नाराजगी जाहिर की पर मोर्चे उन्होंने कोई नाराजगी नहीं, मोर्चे उवें खड़े है जिमें पहले दिन खड़े थे अज भी खड़े है, तो जो मोर्चे खड़े है तो आगू आगू जे उन्होंने भी ये गल समझ आ भी जे आ मोर्चे खड़े तो साढ़े ही खड़े होर कि साढ़ा यो स्नेहा भाई आप जित के जाना है मोर्चा, आओ आप कट्ठे होकर लड़िए, और मैनू लगता है कि नौजवान बड़ी मेरे ख्याल जिन्ना मेच्योरिटी जिनी सूझबूझ का सबूत नौजवानों ने दिता है जे कि उन्ना ही सबूत साडी लीडरशिप ने दिता हों तो सानू आ दिन नहीं सी वेखने पैणे।